फिर बन के तैयार हो गए थे। इसको हमने हरी चटनी से सर्व किया, आप टमाटो सॉस से भी सर्व कर सकते हैं। और साथ में मैंने ब्रेड के दही वड़े बनाए थे तो उसका हमने गोल शेप कट कर लिया था, बाकी जो ये बच गए थे इसके हम कटलेट तैयार करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सारी ब्रेड हमने तोड़ के डाल दिया, अभी इसको हम इसका ब्रेड क्रम तैयार करेंगे। अब देखिए एकदम सूखी नहीं है, बिल्कुल भी सूखी नहीं है। अभी हमने इसका एक रेसिपी बनाई थी तो हमने गोल गोल सा कट कर लिया था, बाकी जो बच गए थे इसके हम पकौड़े तैयार करेंगे। प्याज मिर्ची अदरक डाल देंगे, आलू का मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तेल पहले गरम करने के लिए चढ़ा देंगे सरसों का। फिर हम उबले आलू डालेंगे, तो आलू 4 से 5 के करीब हम हाथ से तोड़ के डालेंगे पहले। मैं आप चाहो इससे मैशा से या कद्दूकस भी कर सकते हो आलू, पर हम हाथ से ही मैश करके डालेंगे। ये होम मेड हम पनीर डालेंगे, तो ये होम मेड पनीर, हमने एक पनीर घर पर ही बनाया था, तो इसको भी हम मैश करके डालेंगे अच्छे से। अच्छा सा हम दो टाइप में बना लेंगे इसको, यानी सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि ब्रेड में जितने भी मसाले, आलू, पनीर सब मिक्स हो जाए। इसे दो हमने बना लिया, अब हम इसकी कटलेट तैयार करेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उस टाइप हाथ में हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया, इस टाइप से कटलेट का इसको हम शेप दे देंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हो, जो भी आपको शेप देना उस हिसाब से आप दे सकते हो, बहुत ईजी से बन जाएंगे। इस टाइप से सारे हम कटलेट के शेप दे दे रहे हैं, लाइट पड़ रही है। कटलेट बना लिए, अब इनको हम पहले फ्राई करेंगे। इसको हम एक साइड से पलट देंगे धीरे में, काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया एक साइड से। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पका रहे हैं, इस टाइप से काफ़ी अच्छा कलर आ गया, काफ़ी अच्छे से कलर आ गया। अब हम इनको निकालेंगे, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटे हैं, ऐसा कुछ है कि हमने इसमें पनीर डाला है कुछ, काफ़ी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। सारे निकालेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते ये, कटलेट बन के तैयार हो गए थे। इसको हमने हरी चटनी से सर्व किया, आप टमाटो सॉस से भी सर्व कर सकते हैं, और साथ में इसे आप बना के रख लीजिए सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए है, या चाय के साथ में इसे सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता, बनाना भी बहुत आसान है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।